मेरे प्यारे दोस्तों, वन प्लस नॉट में कुछ ऐसा होगा, वन प्लस नॉट में कुछ वैसा होगा, वन प्लस नॉट का प्राइस कुछ ऐसा होगा, नहीं कुछ वैसा होगा। ये तो हाइप क्रिएट किया जा रहा है, हर एक ब्रांड ऐसा करता है लॉन्च से पहले, और प्री बुक इसका बहाना है, और उसके बाद लॉन्च के बाद देखा जाता है टाई टाई फेस। आपको क्या लगता है, वन प्लस नॉट के अच्छे प्राइस में आएगा या नहीं? ये तो आज इस वीडियो में और एक टिक अपडेट के साथ आपको दूंगा। और एक फोन लॉन्च हो रहा है जो एसुस आरओजी 3 को कंपीट करेगा। भाई क्या है ये फोन? वीडियो का बहुत ही खास स्टेट बात, नो बकवास। मेरा नाम है सुमन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद। तो वन प्लस नॉर्ड ये 21 जुलाई को भारत में लॉन्च हो रहा है, और इसका प्री बुक स्टार्ट हो जाएगा 15th ऑफ जुलाई से अमेज़न पे 499 रुपीस में। उसके साथ 5000 का आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा। तो ये जो वन प्लस नॉर्ड है, इसको लेकर काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है। भाई क्यों ना हो, क्योंकि यही तो हर एक ब्रांड का बहाना है। तो वन प्लस नॉर्ड का कुछ कॉन्फर्म स्पेक्स आ चुका है, और दोस्तों आपको ये एक वोट आपको करना होगा, और ये आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। वन प्लस नॉट का रिव्यू लेके मैं क्या आऊं या नहीं, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000, भाई आपका प्यार है, सपोर्ट है, मुझे मिल रहा है, कर दीजिएगा। अगर आपको मुझे अच्छा लगता है, मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को पुश करके ऑल कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो भाई डिसलाइक फ्री है, आप कर सकते हो। तो वन प्लस नॉट इसका कुछ कंफर्म स्पेक्स आ चुका है। इसमें आपको 6.44 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा, डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, फ्लूइड एमोलेड और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी अच्छा है। पीछे में ग्लास मिलेगा और क्वाड कैमरास मिलेगा, वन प्लस का लोगो मिलेगा, और जो साइड में इस पर आपको मेटल फ्रेम नहीं पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम साइड दिया जाएगा, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा कंपेयर टू अदर वन प्लस फोन ये कम रहेगा। इसमें आपको 20:9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले मिलेगा, 408 ppi पर पिक्सल डेंसिटी भी आपको मिलेगा, ब्राइटनेस काफी अच्छा होगा। अब इस फोन में आपको जो पंच होल में कैमरा मिलेगा, वो दो कैमरा मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। जो 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा उसमें होगा जो सोनी IMX 616 ये सेंसर, ये मुझे अच्छा लगा। और पीछे में आपको चार कैमरा मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जहां पे दिया जाएगा सोनी IMX 586 सेंसर, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। अब ये जो वन प्लस ये जानता है भाई, आजकल तो 4 कैमरा 5 कैमरा दिया जा रहा है और मैक्रो लेंस का कोई काम नहीं आता है, इसलिए मैक्रो लेंस कम और जो डेप्थ सेंसर वो ज्यादा। इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, इसमें OIS दिया गया है, OIS इस प्राइस में काफी अच्छा, मुझे तगड़ा लगा। इस फोन में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर दिया जाएगा, जो ये 5G एनेबल प्रोसेसर है और मुझे लगता है काफी अच्छा होगा ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए। इसमें आपको 8GB 12GB 128GB 256GB रैम और रोम वेरियंट मिलेगा, LPDDR4X रैम टाइप मिलेगा, स्टोरेज टाइप आपको 2.0 UFS वाला मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 पे ये रन करता है, ऑक्सीजन OS मिलेगा और ब्लूटूथ 5.1 के साथ NFC भी मिल जाएगा, और 4115 mAh का बैटरी मिलेगा, 30W का वार्प चार्जर, यानी बहुत ही फास्ट होगा। क्या दोस्तों कितने प्राइस में आएगा? देखिए जो भी सुनने में आ रहा है 26,000 25,000 30,000 से नीचे, देखते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है 30,000 से नीचे ही होगा, और अगर ऐसा होता है तो हर एक ब्रांड का टाई टाई फेस। आपका क्या राय है? चलिए, जो ब्रांड बहुत दिन से सोया हुआ था और वो अचानक से जाग गया, और क्यों? एसुस आरओजी 3 लॉन्च हो रहा है 22 जुलाई को, और 22 जुलाई को एक फोन और भी लॉन्च हो रहा है भाई, ये लेनोवो की तरफ से, लेनोवो लीजियन। लेनोवो देख रहा है कि उसका ही ब्रांड मोटोरोला हर एक फोन लॉन्च कर रहा है भारत में, और अच्छा तरक्की भी कर रहा है, और हम क्यों पीछे रहे? तो लेनोवो लीजियन जुलाई 22 को लॉन्च हो रहा है, 6.67 इंचेस का, आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा भाई, इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा, HDR 10 प्लस का सपोर्ट रहेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें आपको जो स्नैपड्रैगन 865 प्लस ये चिपसेट मिलेगा, 7nm टेक्नोलॉजी पे आधारित है, और एडिनो 650 GPU मिलेगा। तो प्रोसेसर को लेके कोई भी बात नहीं,
गेमिंग अच्छा होगा, और इसी के साथ कार्ड स्लॉट आपको इस बार नहीं मिलेगा, पर जो आपको मिल रहा है जो इसका स्टोरेज टाइप वो काफी अच्छा है, 8GB 128GB और 12GB 512GB रैम एंड रोम वेरियंट मिलेगा। यहाँ पे आपको UFS 3.0 स्टोरेज टाइप मिलेगा और 64 MP का प्राइमरी कैमरा और 16 MP का अल्ट्रा वाइड, और ये पीछे में रहेगा मिडिल में। भाई बहुत सारे ब्रांड 4 कैमरा दे रहा है पर ये 2 कैमरा दे रहा है तो इससे काम चला जाएगा, और आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा एकदम फोन के मिडिल पे और ये होगा 20 MP का। आप देखिए पॉपअप कैमरा से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, जब भी कोई कॉलिंग वगैरह आता है वीडियो कॉलिंग तो ये पॉकेट से डायरेक्ट ओपन होता है, मुझे नहीं पता है ये क्या इसमें ठीक करके देगा या नहीं। तो चलिए स्टीरियो स्पीकर आपको यहां पे मिलेगा और ये मुझे काफी अच्छा लगता है, बहुत सारे ब्रांड ये नहीं देता है। 5000mAh बैटरी, 90W का फास्ट चार्जर, लीजियन वेस पे रन करेगा, एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कितने प्राइस में लॉन्च होगा, क्वेश्चन ये भी है भारत में कब लॉन्च होगा। देखिए भारत के बारे में कोई भी पता नहीं है, और अगर ये फोन लॉन्च होता है भारत में तो मैं कहूंगा काफी अच्छा होगा, और इसका प्राइस 40,000 पे अगर होता है तो काफी अच्छा होगा 5G एनेबल। आज के अपडेट में इतना ही था दोस्तों, और कुछ अपडेट न्यूज लेके आ जाएगा आपका सुमन भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।